बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की मंज सुगंध आहे शुभ गुण ज्ञान जो मुंडन जा अवगुण संदो मुंडखणन दुर्गंध भवर जा गुण खणन था नेही थी निर्बंध संतन साण संबंध तेऊं जिन जो आसदा सन्मान कर तू श्रद्धा भाव सा तन मन धन सा सेव कर निष्दिन थी निर्माण तेऊ तरक छरे करे प्रेम रखज परधान भक्ति ज्ञान विज्ञान पाए जितन मा प्रीत सा पाए जितन मा प्रीत सा पाए जितन मा प्रीत सा। संतन मंज सुगंध आहे शुभ गुण ज्ञान जो। शुभ गुण सद्गुणों की सुगंध उन संत महापुरुषों के जीवन में है, ज्ञान की सुगंध उनके जीवन में है और सुगंध को लेने वाले भंवरे होते हैं, दुर्गंध को लेने वाले भूंड होते हैं। भूंडन जा अवगुण संदो मूंड खणन दुर्गंध भवनन जा गुण खणन था नेही थी निर्बंध। तो वो प्रेमी जिज्ञासु भंवरों के समान उन संत महापुरुषों से शुभ गुण ग्रहण करते हैं, भूंड केवल अवगुण देखते हैं। संतन साण संबंध टेऊ जिन जो आसदा, जिन्होंने उनके साथ सच्चा संबंध जोड़ लिया वही उनसे शुभ गुणों की सुगंध प्राप्त करते हैं। संतन जो सम्मान करतूं श्रद्धा भाव सा, इस श्लोक में गुरु महाराज जी सदुपदेश देते हैं कि संत महापुरुषों का सम्मान करो श्रद्धा भावना रख करके, तन मन धन सा सेव कर निष्दिन थी निर्माण। मान को त्याग के उन संत महापुरुषों की तन मन धन से सेवा करो। टेऊ तर्क छड़े करे प्रेम रखज प्रधान, तर्क बुद्धि का त्याग कर दो, प्रेम रख करके उनकी सेवा करो। भक्ति ज्ञान विज्ञान पायज तनमा प्रीत सा, उनसे प्रीत लगा करके ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करो, प्रभु भक्ति की प्राप्ति करो। और संतन अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाय सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भरल जह में भाव जी
रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण
उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।